सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ दाहोद त्यौहार मनाने के लिए। आज है हमारा त्यौहार ईद मिलादुन नबी, तो मैं जा रहा हूँ दाहोद, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ गाइस त्यौहार मनाने के लिए दाहोद, वो भी ईद मिलादुन नबी, तो काफी मजा आने वाला है और बहुत पब्लिक रहने वाली है। आपको एकदम रियल बताऊंगा, जैसा भी जाऊँ भी वहाँ का व्यू है, ठीक सीन है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, काफी मजा आने वाला है और ये एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा और आप लोग भी करना, मजा आएगा। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। और फिर क्या था यार, फिर हम निकल जाते हैं दाहोद की ओर मुन्ना भाई के साथ बाइक पर, और काफी मजा आने वाला है। लेकिन यार धूप बहुत ज्यादा है, आप धूप देखो, एकदम कड़कती हुई धूप में हम निकल चुके हैं। लेकिन कोई ना यार, धूप को इग्नोर करके जा रहे हैं। और मुन्ना भाई मुझे ये कह रहे हैं मैं वीडियो में दिख रहा हूँ कि नहीं, तो मैंने बोला भाई आप वीडियो में दिख रहे हो, एकदम झकास दिख रहे हो, तो ठीक है भाई। फिर मैंने बाइसेप फ्लेक्स करा और फिर निकल जाते हैं हम दाहोद की ओर। और हम मेघनगर तक पहुंचे और हमें दिख जाता है एक एक्सीडेंट, जो कि आप देख सकते हो ट्राला कैसा भरा हुआ है। और इससे आपको मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा गाइस, आप कितनी भी जल्दी हो गाड़ी धीरे चलाया करो, भले 5 मिनट लेट ही सही लेकिन गाड़ी धीरे चलाया करो, बस यही मैसेज है यार। और ध्यान से चलाया करो और इसको फॉलो करो यार प्लीज, क्योंकि ये हर कोई फॉलो नहीं करता है भाई, मैं खुद नहीं करता था, झूठ क्यों बोलूं। बट यार अब मुझे समझ आ चुका है, इसलिए मैं अभी गाड़ी धीरे चलाता हूँ और आई होप आप भी गाड़ी धीरे चलाओगे। और फिर आधा रास्ता कवर करने के बाद हमें लग जाती है प्यास, तो हम यहाँ पर रुक कर इस दुकान से ले लेते हैं पानी की बॉटल और इस बॉटल को पूरी पी जाता हूँ। तो 1 लीटर पानी मेरा कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज पानी का भी ध्यान रखना है। और फिर निकल जाते हैं हम हमारी मंजिल की ओर दाहोद की ओर। और फिर हम थोड़ी देर में दाहोद पहुंचने वाले थे और इतने में हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई। चलो आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो हमारे साथ वाले की गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है, तो अब हम और लेट होने वाले, तो इस बात को लेकर मैं और दिमाग खराब हो गया था। तो लेकिन मैंने खुद को समझाया कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ये सच है भाई कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और इस बात पर मैंने बाइसेप फ्लेक्स करा और मुस्कुरा कर हम निकल जाते हैं हमारी मंजिल की ओर। तो गाइस अभी हम इंटर कर चुके हैं गुजरात में, और आप फर्क देखो, गुजरात का हाईवे रोड देखो आप कितना फर्क है। अभी मैं लेफ्ट में एडिट कर रहा हूँ मध्य प्रदेश का हाईवे रोड, अब इन दोनों में कमेंट करके बताओ कौन सा बेटर है। तो गाइस ये पहुंच चुके अपन दाहोद, और अब चलते अपनी लोकेशन पर जहाँ पर सब जने ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। तो ये आ चुके अपनी लोकेशन पर, और अब मैं आपको बोलकर डिस्टर्ब नहीं करूंगा, एक बार आप पब्लिक चेक करो कितनी भीड़ है भाई। तो ठीक है गाइस, अब मैं आपको बार बार बीच में बोलकर डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप आराम से आप इंजॉय करो वीडियो को। तो गाइस ईद मिलादुन नबी तो एंड हो चुकी है, तो अब जा रहे हैं अपन गाड़ी लेने, बिकॉज इतना चल चल के घुमा है ना अपन, तो गाड़ी भी लेनी पड़ेगी, गाड़ी फेट दूर रख रखी है हमने, 1 किलोमीटर चलना है हमको और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी गाड़ी लेते हैं, उसके बाद कुछ खाएंगे, बिकॉज भूख बहुत लग रही है, कुछ खाएंगे उसके बाद थोड़ा बहुत घूमेंगे यार, इतनी दूर आए अपन तो, ठीक है। अब आगे का जो भी सीन होगा आपको बता देंगे, वीडियो में बने रहो, लेट्स गो। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं फास्ट फूड के ठेले पर, यहीं पर ही हम खाने वाले हैं। और ये कौन सा फूड है मुझे नहीं मालूम, बाकी दाहोद में बहुत खाते हैं इसको, चाव से खाते हैं। और इसकी पेंटिंग लगी हुई है, एक बार सामने देखो, मतलब इसका ही फोटो है, इसमें देखो और ये देखो कितना फर्क है भाई, जैसे कि वो खाता है और ये कुछ खाता ही नहीं है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं गार्डन में, थोड़ा बहुत यहाँ पर घूमेंगे, तो चलो चलते हैं गाइस, थोड़ी देर यहाँ पर घूमते हैं। कोई क्या हवा चल रही है यहाँ पर, ये मेरी बात सही है भाई, यहाँ अगर थोड़ा अच्छा लग रहा है यार, चल चल के भाई लिटरली हालत खराब हो गई थी मेरी। बाकी अब गार्डन में आ चुके, थोड़ा बहुत चिल करेंगे यार। तो गाइस गार्डन के अंदर इंटर हो चुके हैं, और सुना है आगे झूले भी है, और झूले ऐसा नहीं है भाई बच्चे झूलते, हम भी झूल सकते हैं, ठीक है, हम भी बच्चे ही वैसे, तो काफी मजा आने वाला है इसके।
ठीक है तो चलते हैं अभी अंदर, झूले दिख रहे हैं बच्चों के, अगर ज़्यादा लेडीज़ वेडीज़ नहीं हुई तो हम भी झूल लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। बाकी ये मुन्ना भाई वो जो लाइट वाली वीडियो जो देखी थी ना, ये वही बंदा है डाली नहीं बट वो डालने के बाद ही आएगी ना भाई। तो ठीक है यार आगे चलते हैं अभी। तो गाइस पार्क में आ चुके और ये बच्चों का झूला है, झूला की तो हम भी बच्चों से कम तो नहीं, अभी थोड़ा एडवेंचर करते हैं ठीक है एकदम। तो ये मैंने स्टार्ट करा, ये खत्म भी हो गया। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। स्टार्ट करते हुए खत्म भाई, मेरी हाइट जितना तो है यार लिटरली। हाइट जितने झूले वही सारे, मैं क्या झूलू भाई, मैंने आपको बोला था मैं झूल के बताऊंगा भाई, लिटरली आप देखो देखो हाइट जितने झूले हैं सारे के सारे भाई। क्या झूलना, और कहीं नहीं आसपास के देख के मेरे को हंस रहे भाई, चलो इसी बहाने हंस तो रहे, ये भी सही है ठीक है। नहीं ठीक है फिर चलते आगे का जो भी सीन हो आपको बताएंगे सबको। और भाई अस्सलाम वालेकुम, मौसम खैरियत क्या भाई, ब्लॉगिंग कर ली? मैं ब्लॉगिंग कर रहा था यार। तो गाइस अभी आते देर नहीं हुई, 5-6 मिनट हुई और मुन्ना भाई बोल रहे हैं कि ऑफिस से चलो भाई, पूरे 20 रुपए दिए भाई, पूरे पैसे वसूल करके जाएंगे। पैसे की बात नहीं, मगरिब हो गई, यही हूँ मगरिब का, मगरिब का समय हो चुका समझ में आ रहा है, बट थोड़ा सा घूम के चलते हैं ना यार। ओके तो आगे का सीन, टावर दिख रही है ना, ये बहुत ऊंची टावर है उड़ने के लिए, तो इस टावर पे चढ़ते गए। ये टावर जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो है ना अपनी दुबई में जो है ना बुर्ज खलीफा, उससे भी ऊंचा है ये, तो अभी हम उस पर चढ़ रहे हैं और ये आप देख सकते हो संघर्ष। तो अभी हम चल रहे हैं बुर्ज खलीफा से भी ऊपर वाली टॉप से भी। तो गाइस यहाँ पर आ चुके हैं एंड यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है, ये बुर्ज खलीफा पे हम पहुंच गए हैं और यहाँ अगर इनके फोटो के हो चुकी है फोटो फोटो फालतू यार रंग मोटा वोटा, ये तो फालतू भाई, दिल देखना चाहिए, साफ होना चाहिए दिल, दीवार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। देखो भाई बंद करने का बोल रहा है, अरे मगरिब की अजान हो रही हो, फोटो खिंचाने में नहीं हो रही आवाज़, तो आ नहीं रही अजान की भाई, देख कुछ भी भाई ध्यान से सुन, नहीं आ रही भाई अजान की आवाज़, बाकी फिर भी फोटो खींच लेते हैं भाई के। तो गाइस अभी बुर्ज खलीफा पर हमने काफ़ी जगह घूम लिया है, बहुत बड़ा है ये, आपको बस इतना सा दिख रहा है, बाकी आप बुर्ज खलीफा से अंदाज़ा लगा सकते हो बहुत बड़ा है। तो अभी यहाँ से निकलते और निकल के जाते हैं घर की ओर, आगे का जो भी सीन होगा आपको बताएंगे ठीक है। तो अभी संघर्ष करके बुर्ज खलीफा से उतरना भाई, यहाँ पे लिफ्ट नहीं है इसकी 8 लोगों, आप देख सकते हो कितना ऊँचा है ये। तो अभी उतरते हैं बस, अब इस वीडियो को एंड तो मैं नहीं करूँगा, एंड तक एंड बताएंगे ठीक है, तभी बने रहो। तो गाइस गार्डन से तो निकल लिया दावत की सड़कों पे, अभी यहाँ थोड़ा बहुत घूमने का गया, घूमने के बाद निकल जाने का अवकाश से घर, थोड़ा बहुत घूमकर हम निकल जाएंगे हमारे गांव की ओर। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रहा हूं, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना और इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर जाना और AK फिटनेस फैमिली का हिस्सा बन जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।